जैसे कि आज के टाइम में सभी के पास स्मार्टफोन होता ही है और ज़्यादातर लोग इंटरनेट पे ही कनेक्टेड रहते हैं और लोग तरह तरह के टॉपिक सर्च करते हैं, जिनका जैसे टॉपिक है वैसे सर्च करते हैं। तो यदि आप भी इंटरनेट से जुड़े रहते हैं तो आपने भी आई एम श्योर कि आपने ब्लॉग के बारे में ज़रूर सुना होगा। और ब्लॉगिंग, ब्लॉगर किसे कहते हैं, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉगिंग किसे कहते हैं और ब्लॉगर किसे कहा जाता है, और साथ में जानने वाले हैं कि क्या ब्लॉग से पैसे कमा सकते हैं, और अगर ब्लॉगिंग करने के लिए क्या हमारी कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और यदि हम अगर ब्लॉग से पैसे कमा सकते हैं तो हम कितना अर्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो बेसिकली इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि ब्लॉग क्या होता है और ब्लॉगिंग क्या होती है और ब्लॉगर किसे कहा जाता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, जैसे कि पहले के टाइम में लोग अपनी नोट्स बनाते थे। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई लायर है या कोई प्रोफेशनल किसी चीज़ भी लेकर है, मान लीजिए कोई राइटर है, ठीक है, तो वो अपनी जो सारी चीज़ें, जो एक्सपीरियंस होता था, नॉलेज होता था, अपने आइडियाज़, एक्सपीरियंस, वो सारे चीज़ों को वो अपनी नोटबुक्स में या डायरी में कलेक्ट करता था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है, जैसे कि जैसे इंटरनेट का यूज़ बढ़ रहा है तो लोग डिजिटल हो रहे हैं, तो वैसे में ऐसे जैसे मान लीजिए कोई एक प्रोफेशनल है, वो मान लीजिए राइटर है, ठीक है, तो वो अपने सारी चीज़ें जो लिखता है वो ब्लॉग के थ्रू अपने एक्सपीरियंस आइडियाज़ को लोगों के सामने पब्लिश करता है। तो इस प्रक्रिया को ब्लॉग बोला जाता है। जी हाँ, बेसिकली इसमें होता यही है कि मान लीजिए आपको किसी चीज़ में इंटरेस्टेड है, ठीक है, आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, एक्सपीरियंस हैं, तो आप अपनी नॉलेज को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो यही पूरी प्रक्रिया होती है ब्लॉग में। और ब्लॉगिंग क्या होती है, ब्लॉगिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने पूरा जैसे कि कोई नोट्स बनाए, ठीक है, किसी टॉपिक को लेकर आपने उस टॉपिक पे आपने बात को लिखा, ठीक है, आप जो ये सारी प्रक्रिया कर रहे हैं, ठीक है, तो यही जो पूरी प्रक्रिया होती है इसको ब्लॉगिंग के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए आपने कोई आर्टिकल लिखा, अपना एक्सपीरियंस लिखा, तो ये जो आप इंटरनेट पर पब्लिश करेंगे तो ये जो सारी प्रक्रिया है, इसमें जितना टाइम आपको लगा, तो ये सारी प्रक्रिया आपको ब्लॉगिंग कहलाती है। और ब्लॉगर किसे कहते हैं, बेसिकली जो लोग जिस प्रोफेशन से जुड़े होते हैं, जो अपना नॉलेज लोगों के सामने शेयर करते हैं, मतलब अपने आइडियाज़ जो भी है, तो उस चीज़ को हम मतलब उनको हम बोलते हैं ब्लॉगर। जी हाँ, उनको हम ब्लॉगर बोलते हैं। और बेसिकली इसमें देखिए, ब्लॉगर जो पोस्ट लिखता है, यानी कि जो मान लीजिए किसी ने अपना ब्लॉग बनाया, जैसे कि आप जानते होंगे कि ब्लॉग बनाने के लिए आपके पास एक ईमेल आईडी और एक पीसी होना चाहिए। यदि आपके पास पीसी नहीं है तब भी आप अपने स्मार्टफोन के थ्रू भी आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं। इसके लिए जैसे कि आपने गूगल की खुद की एक फ्री प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं, जिसको ब्लॉग स्पॉट के नाम से जाना जाता है। तो आप फ्री में अगर जैसे अपना ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो आप गूगल की www.blogspot.com पे सर्च करेंगे और वहाँ से आप फ्री में रजिस्ट्रेशन करके भी अपना जो ब्लॉग बना सकते हैं। ये आपके लिए बेहतर साबित होगा और इससे ब्लॉग से आप अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अगर आपके पास पीसी है तब भी आपके लिए बेहतर है, अगर आपके पास पीसी नहीं है तब भी आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं। जैसे यूट्यूब चैनल अगर आप फ़ोन से बना सकते हैं तो अपना ब्लॉग भी आप अपने फ़ोन के थ्रू बना सकते हैं। तो बेसिकली जो ये ब्लॉग होता है, यानी जो ब्लॉगिंग होती है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस, आइडियाज़ को दुनिया के सामने शेयर करते हैं, जिससे लोग आपकी बात से संतुष्ट भी होते हैं और लाइक भी करते हैं और डिसलाइक भी करते हैं। और बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा वेबसाइट जो होती हैं वो बड़ी होती हैं लेकिन ब्लॉग जो होते हैं वो छोटे होते हैं। इसलिए आप जैसे कि कोई टॉपिक पर सर्च करते हैं तो ज़्यादातर ब्लॉग ही फर्स्ट पेज पे आते हैं, वेबसाइट कम ही आती है, क्योंकि ब्लॉग में आपको छोटी छोटी टॉपिक पे समझाया जाता है जिससे उसको सर्च, यानी कि जो उसका सर्चिंग जो होता है वो पहले होता है। तो इसका बेनिफिट यही होता है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और एक बात ये है कि जैसे कि ब्लॉग और वेबसाइट्स में बहुत डिफरेंस होता है, और जो ब्लॉग होता है वह किसी वेबसाइट का एक हिस्सा ज़रूर हो सकता है लेकिन कोई जो वेबसाइट होती है वो ब्लॉग नहीं हो सकती, ठीक है। तो ब्लॉग छोटे होते हैं और जो वेबसाइटें होती हैं वो लार्ज होती हैं। तो बेसिकली आप जो ब्लॉग बनाने के लिए आपको किसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, आप किसी चीज़ किसी फील्ड में जुड़े हुए हैं, मान लीजिए आप कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, आपको उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप अपना जो नॉलेज है, ट्रिप्स एंड ट्रिक्स, और जो भी आपका नॉलेज है उस टॉपिक पे, तो आप उसको अपने ब्लॉग पे पब्लिश कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे हम ब्लॉग से पैसे अर्न कर सकते हैं तो कैसे, तो बेसिकली जो इसमें ब्लॉग में पैसे मिलते हैं ये सब आपके एड्स के मिलते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि ब्लॉग से कितने पैसे अर्न किए जा सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपके ब्लॉग की कैटेगरी क्या है, आप किस टॉपिक पे ब्लॉग लिख रहे हैं, और आपकी जो सर्चिंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि आपकी ब्लॉग पे ट्रैफिक कितना आ रहा है। जितने ज़्यादा आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आएगा आप उतना ही ज़्यादा अर्न कर पाएंगे, और ये सब डिपेंड करता है कि आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है।
तो आई होप सो कि ये वीडियो में आपको पता चल गया हो कि ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉगिंग किसे कहते हैं या ब्लॉगर किसे कहा जाता है। तो आई होप सो कि आपको कुछ ना कुछ तो पता चल ही गया होगा कि ब्लॉगिंग क्या, ब्लॉगर और ब्लॉगिंग्स कितने अर्न कर सकते हैं। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका भी रिप्लाई करूँगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगती कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यदि आप ब्लॉगिंग के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक करें। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए आप देखते रहें स्टूडेंट टैग यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। देखते रहें स्टूडेंट टैग यूट्यूब चैनल। थैंक यू।